देखिए दोस्तों, आज ये 10 दिन का पानी जा रहा है, तभी भी अभी तालाब खाली नहीं हुआ। चलो नहीं, तो मैं आज मैं आप सभी को कमल के पेड़ दिखाता हूँ। अभी तक आपने बाज़ारों में देखा होगा, अब ये पैदा कहाँ होता है मैं आप सबको दिखाता हूँ। जैसे कि एक आप यहाँ देख सकते हैं, वाइट कमल, ये इसके पत्ते हैं, और बीच में आप सब देख सकते हैं वाइट वाइट जो जो है सब कमल के पेड़ हैं चारों तरफ। इधर भी हैं, फिर इसके बाद इधर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ कमल के पेड़ ही पेड़ हैं। बारिश इतना ज़्यादा हुआ है कि ये आज 2 महीने से डूबा हुआ है। चाहिए तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी इसका फल नहीं लगा है। इसको हम लोग गांव में कोका बेली भी बोलते हैं। अभी 15-20 दिन में इसमें फल भी आ जाएंगे। सब जितने वाइट वाइट दिख रहे हैं सब कमल के पेड़ हैं। धीरे धीरे लाल वाला भी, इसी में से लाल वाले भी निकलेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ पानी डूबा हुआ है। ऐसे नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये आप देखिए, ये सब इसके पत्ते हैं। चारों तरफ जहाँ तक आप सबको दिखाई दे रहा है सब कमल के पेड़ ही हैं।
और ये उगाया नहीं हुआ है, सब अपने आप प्रकृति के द्वारा बनाए गए, अपने आप उपज हुआ है, इसमें कोई बीज नहीं डाला गया है। कम से कम एक आदमी के डूबने इतना गहरा पानी है, ये आप सब देखिए। चारों तरफ सिर्फ कमल के पेड़ ही। ये बहुत ही भयानक जंगल है, आप देख सकते हैं बगल में। लेकिन बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। चारों तरफ आप सिर्फ देखेंगे पानी ही डूबा हुआ है। बारिश कल रात को बहुत ही ज़्यादा हुई थी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, आप सबको मिलते हैं अगली वीडियो में।